हेलो गाइज, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि आप एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करते हैं मित्र से, तो वहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करने के बाद में आपको उसकी रसीद दी जाती है एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद में। तो वो प्रिंट क्या होता है कि अगर आपके पास में गुम जाता है और आप चाहते हैं कि यार उसको फिर से कैसे निकालें, तो वो आज मैं आपको बताऊँगा कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी उस प्रिंट को PDF में डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव रख सकते हैं अगर आपके पास से वो गुम चुका है तो। मैंने कल सुबह या शाम को ऐसे कुछ मैंने अप्लाई किया था इंस्टाग्राम पे कि मुझे एप्लीकेशन नंबर और आपकी जन्म दिनांक चाहिए। तो एक भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पे अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म दिनांक सेंड किया था, जिसका मैं अभी आपको फॉर्म निकाल के बताऊँगा कि कैसे उसको डाउनलोड करते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में आज आपको देने वाला हूँ और ये वीडियो बहुत दिनों बाद में आ रहा है क्योंकि मेरे पास कोई टॉपिक नहीं था, तो मुझे लगा कि ये टॉपिक अच्छा है, शायद इस पर मैं वीडियो बना दूं आपके लिए, तो मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक PDS हेल्पलाइन YouTube अकाउंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर देखिए सब्सक्राइब का बटन है, इसको यहाँ से दबा दीजिए और यहाँ पर दबाने के बाद में यहाँ पर घंटी उसको दबा दीजिए और ऑल कर दीजिए, जिससे आपको सेकावाटी विश्वविद्यालय की जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट को आपको ओपन करना है, इसका नाम है unexamhelp.com और इसकी लिंक है हम यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो वहाँ पे आप जाके जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। आपको कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आपको यहाँ पर पास में दिख रहा होगा स्टूडेंट पैनल का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम फॉरम का ऑप्शन आ रहा है, एडमिट कार्ड आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, और अगर आपने रिवेल्यूशन का फॉरम भरवाया है और वो भी आपका प्रिंट खो जाता है तो यहाँ से आप उसको दोबारा फिर से प्रिंट कर सकते हैं, रिप्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एग्ज़ाम फॉरम डाउनलोड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का आपको फॉर्मेट देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप नया एग्ज़ाम फॉरम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे सुविधा नहीं दी गई है, ये आप ईमित्र से ही कर सकते हैं। पेमेंट आपको करना होगा वो आप ईमित्र से कर सकते हैं, और शायद पता नहीं भी स्कीम चालू हो गई हो तो आप कर सकते हैं ATM डेबिट कार्ड से भी। तो यहाँ पे आप क्लिक करते हो, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए आप अपना जो भी फॉरम है UG PG के LLB के फॉरम स्टार्ट होते हैं तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे यहाँ से आप फ्रेश पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक फ्रेश फॉरम आ जाता है, पहले इसको आपको भरना होगा पूरा और उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो ये हमारे काम का नहीं फिलहाल। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है रीप्रिंट का, रीप्रिंट मेन एग्ज़ाम फॉरम 2019-20, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। और जैसे आपको रीप्रिंट एग्ज़ाम फॉरम लेना तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालने होंगे। तो मेरे पास इंस्टाग्राम को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास वो नंबर आ चुके हैं, यहाँ पे आपको वो नंबर डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको जन्म दिनांक डालनी होगी, तो यहाँ पे मैं जन्म दिनांक भी फिल कर देता हूँ, सितंबर, और यहाँ पे 5। उसके बाद में यहाँ पे केचअप दे रखा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि 40 और 4 कितने होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे डालने के बाद में आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे नंबर गलत बता रहा है शायद, फिर से डालते हैं, ये नंबर यहाँ पे गलत डाल दिया मैंने, यहाँ पे 2011 है। उसके बाद में यहाँ पे डाल दिया हमने और यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे इस भाई ने इंस्टाग्राम पे संपर्क किया था, कोमल सेन का नाम है, और वैसे इनका नाम इंस्टाग्राम पे शुभ सैनी सेन नाम से इनका अकाउंट है। तो इस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें ये दिया था। और इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म आ चुका है
जो भी पूरा फॉर्म वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो यहाँ पे देखिए पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, कितने रुपये आपके कटे थे फीस और टोकन नंबर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपको इसका प्रिंट लेना है तो यहाँ पे ऊपर देखिए ऑप्शन आ रहा होगा क्लिक हेयर टू प्रिंट एग्जाम फॉर्म, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, आपके मोबाइल में भी सेम टू सेम यही आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये साइज़ ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, आपको नीचे यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। तो आप इसको जैसे सेव करोगे तो आपका गूगल ड्राइव ओपन होगा ऑटोमेटिक अपने मोबाइल में, और वहाँ पे इसको सेव कर देना है तो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा, PDF में जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस थी जो कि मैंने आपको बता दी कि आप इस तरह से अपने एग्जाम फॉर्म को रीप्रिंट मतलब दोबारा से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि मुझे फेसबुक पे किसी ने बोला था कि कैसे होता है, तो मैं आज आपको बता दिया, और ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टॉपिक भी है आपके लिए कि अगर आपको कभी करना हो तो आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस मेरे हिसाब से आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये जानकारी बहुत ज़्यादा आपके लिए यूजफुल भी होगी। आपको ऐसी जानकारी देखने की वीडियो देख चाहिए वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube अकाउंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है सेकावा ट्यूनसिटी वीडियो से हेल्पलाइन के नाम से। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, और आपके दोस्तों के पास में इस वीडियो की लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी वीडियो देखने के लिए, और आप मुझे टॉपिक बताइए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, सॉरी इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हमारा इसी नाम से PDS हेल्पलाइन के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, वहाँ पे आप हमें फॉलो कीजिए, और आपके पास में जो भी टॉपिक हैं वो आप हमें DM कीजिए, उस पर हम वीडियो बना देंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।